नहीं, मेरी एग्जिट के साथ एंट्री हो रही है मेरी 2022 में. और या 2022 आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री है. और 2021 में शूट किया था ये, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कब रिलीज़ होगा. और अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सबको उतना ही पसंद आए जितना हम लोग को शूट करने में पसंद आए. तो मेरा नाम है जेनी. नाम ही इतना स्टाइलिश था जब ही मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था. और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, सो आई वाज लाइक, एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है येस या नो, जब भी आप सोच रहे हो तो क्या मैं कर पाऊँगी. और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, बट मे बी उस टाइम पे देर वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट टेलिंग मी टू डू इट. एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी. और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं. मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं, और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है. तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और यू नो उन तक पहुंचना. सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट. तो एक्चुअली मैंने सबका पर्सनली इंडिविजुअली काम देखा है. और जब आप अच्छे एक्टर्स एक साथ काम करने के लिए साथ में आते हैं, तो आपको पता होता है कि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है. प्लस राजीव सर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो सब ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. सो अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे स्टार कास्ट के पार्ट होते हैं. सो आई थिंक इट्स एंड ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू डू इट वेरी नाइसली, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान अच्छा करने वाला है अपने अपने तरीके से, तो और ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है. एंड येस, आई लव्ड द स्टार कास्ट, द स्टोरी, एवरी वन. एंड आई थिंक जिसको जो जो कैरेक्टर मिला है वो उसमें एकदम परफेक्टली फिट बैठा है. तो एक्चुअली नितिन जी ने पूरा मैनेजमेंट इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक डिफरेंट शहर में शूट करना, वहाँ पे सब चीज़ों का ख्याल रखना, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तकलीफ नहीं. इनफैक्ट सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे. ऑफकोर्स हम लोग को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी था, बट क्योंकि मैं वो फर्स्ट एक्टर हूँ जो फर्स्ट लॉकडाउन में, आई वॉज द वन हु स्टार्टेड शूटिंग जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था. और तब इतना डिफ़िकल्ट सारी सिचुएशन थी कि उसके बाद मैंने अपने मन से वो डर निकाल दिया. मुझे लगता है बस आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में सब काम करना बंद नहीं कर सकते. यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा. सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ध्यान रखा अपना. येस, 11th of January को एग्जिट आने वाली है आपके उल्लू ऐप पर. सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको कैसे. थैंक यू सो मच.